हेलो दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य फाइन होम्स में। आज हम आपको लेकर आए हैं जगतपुरा की एक प्राइम लोकेशन पे, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं 3 BHK 4 BHK लग्जरी फ्लैट्स। बहुत ही अच्छे स्पेशियस ये फ्लैट होने वाले हैं। एक बार आप इसका एलिवेशन देख सकते हैं। इसके अगर लोकेशन की मैं बात करूँ तो 77 प्रेम सागर नियर डी मार्ट जगतपुरा में ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है। अगर इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूं नाम की, तो पार्थ रेजिडेंसी के नाम से ये प्रोजेक्ट है। G5 की ये बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छे लोकेशन में है, बहुत ही रेजिडेंशियल लोकेशन में ये लोकेटेड है। आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट के जस्ट सामने, बिल्डिंग के सामने आपको मिल जाती है 60 फीट वाइड रोड, और इसके दोनों साइड आपको लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको मिल जाती है 40 फीट वाइड रोड। सामने आप देख सकते हैं हाई रेज की बिल्डिंग बन रही है, जस्ट उसी के सामने आपको मिल जाते हैं आपके पार्थ रेजिडेंसी का प्रोजेक्ट। अगर इसकी फैसिलिटीज़ की मैं बात करूं, तो आपको पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाती है, साथ ही में आपको यहाँ पे लिफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी मिलती है, साथ ही में यहाँ पे सिक्योरिटी के पर्पज़ से कैमराज भी आपको मिल जाएंगे, CCTV कैमराज। रूफ टॉप पे आपको यहाँ पे गार्डन मिल जाएगा, रूफ टॉप गार्डन। जिम एरिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा, किड्स प्ले एरिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ, आसपास की लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो अक्षयपात्र मंदिर और विवा सिटी मॉल यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल जाएंगे। बॉम्बे हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ, तो 2.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको बॉम्बे हॉस्पिटल मिल जाएगा। और इसके साथ में बहुत ही प्राइम लोकेशन पर ये है, तो चलिए हम जल्दी से अंदर चलते हैं और हमारे फ्लैट्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो हम आ गए हैं हमारे कॉरिडोर में फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिफ्ट की फैसिलिटी मिलने वाली है, साथ ही में आपको यहाँ पर फायर फाइटिंग की भी आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलने वाली है। ये आपका कॉरिडोर हो जाता है, आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 7 फ्लैट्स। हर फ्लोर पे आपको 7 फ्लैट्स मिलेंगे, और जो फ्लैट अभी हम देखने वाले हैं 3 BHK लग्जरी फ्लैट होने वाला है, वेल सेमी फर्निश्ड होने वाला है। तो चलिए हम हमारे फ्लैट को एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे, आप देखेंगे एंट्री गेट जो आपको मिल रहा है वुडन का, काफ़ी आपको हैवी डोर मिल रहा है। तो अब हम इसके बिल्डअप एरिया की बात कर लेते हैं। 1200 स्क्वायर फिट के सुपर बिल्डअप एरिया के साथ में बना है ये 3 BHK वेल सेमी फर्निश्ड फ्लैट। ये आ जाता है इसका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, आप देखेंगे काफ़ी स्पेशियस इसका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है। अगर इसके डायमेंशन की मैं बात करूं, तो 15x23 के डायमेंशन में आपको ये लिविंग एंड डाइनिंग एरिया मिल जाता है। आप आराम से यहाँ पे 5 सीटर 7 सीटर अपना सोफ़ा इंस्टॉल कर सकते हैं। बैक वॉल पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको मिल जाता है काफ़ी अच्छे डिज़ाइन का वॉलपेपर। इसी के साथ में आपको यहाँ पे वुडवर्क मिल जाता है कंसील लैम्प के साथ में। साइड में आपका आ जाता है यहाँ पे टीवी पैनल, आप देखेंगे वुडन का ये टीवी पैनल है। नीचे आपको ड्रॉर भी दिए हुए हैं स्टोरेज के लिए, साथ ही में हम यहाँ पे अपने किसी भी साइज का टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा लिविंग एरिया हो गया। यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि आपके राइट साइड में आपका ओपन किचन हो जाएगा, इसी के जस्ट पास में आपको मिल जाएगा एक बेडरूम। तो किचन के दूसरी साइड में आपको मिल जाएंगे 2 बेडरूम। तो चलिए अब हम हमारे किचन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारा मॉड्यूलर किचन। 10x8 के डायमेंशन में आपको आपका मॉड्यूलर किचन मिल जाता है। आप देखेंगे पीछे के वॉल पे यहाँ पे टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आपको चिमनी की फैसिलिटी मिल रही है, साथ ही में आपको मिल जाते हैं काफ़ी सारे वार्डरोब्स। यहाँ पे आपको ड्रॉर्स मिल रहे हैं, नीचे भी आपको काफ़ी ड्रॉर्स मिल रहे हैं स्टोरेज के लिए। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो मिल रही है, और इसी के पास में आपको मिल जाती है बैल्कनी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ में बालकनी हो जाती है। इसी के जस्ट सामने आप देखेंगे जो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, ये भी पार्थ रेजिडेंसी का ही प्रोजेक्ट है। इसके बीच में आपको 30 फीट की स्पेस मिल जाएगा, और साथ ही में इसका जो पोजीशन है आपको दिवाली के टाइम पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो अब हम हमारा फर्स्ट बेडरूम देख लेते हैं। किचन के जस्ट पास में आपको मिल जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम। इसे आप अपना गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, ताकि अगर आपके घर में गेस्ट आ जाए तो आप आराम से इस रूम को यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके डायमेंशन की मैं बात करूं, तो 12x11 के डायमेंशन में आपको ये बेडरूम मिल रहा है, आप देख सकते हैं। साइड वॉल पे आपको यहाँ पर वॉलपेपर मिल रहा है बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के साथ में। फॉल सीलिंग की अगर हम बात करें, तो यहाँ भी एक अच्छे डिज़ाइन के साथ आपको फॉल सीलिंग मिल रहा है। साइड में आपकी वार्डरोब आ जाती है, फुल वुडन की ये वार्डरोब है, आप देख सकते हैं अच्छे स्पेस के साथ में। और इसी के जस्ट पास में आपको मिल जाता है आपका अटैच लेट बाथ।
5x7 के डायमेंशन में आपको आपका अटैच लेड बाथ मिल जाता है। आप देखेंगे वॉल के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट कलर के टाइल्स का यूज़ किया हुआ है और ये आपका बेड एरिया हो जाता है, ये आपकी सीट हो जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, लिविंग एरिया में आपको यहाँ पे मिल जाता है आपका वॉश बेसिन और इसके पास में आपको मिल जाता है एक अटैच लेट बाथ, जिसमें फ्रेंड्स दो गेट है। एक गेट आपको मिल जाता है लिविंग एरिया में और दूसरा गेट आपको मिल जाता है बेडरूम में। इसके भी डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो 5x7 के डायमेंशन में आपको ये बाथरूम मिल जाता है। तो चलिए अब हम हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। एक बार मैं आपको इस फ्लैट के प्राइस के बारे में बता देती हूँ फ्रेंड्स। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो 42 लाख इसकी आस्किंग प्राइस है, 3 BHK फ्लैट है। तो ये आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। अगर इसके डायमेंशन की मैं बात करूँ तो 11x12 के डायमेंशन में आपको ये बेडरूम मिल रहा है। आप देख सकते हैं साइड वॉल पर यहाँ भी आपको वॉलपेपर मिल रहा है, वॉलपेपर की लॉन्ग लाइफ होती है फ्रेंड्स। इसी के साथ में साइड में आपको यह मिल जाती है दो वार्डरोब वुडन की अच्छे स्पेस के साथ में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपको एक डोर मिल जाता है अटैच लेट बाथ में, जो कि आपके लिविंग एरियाज में भी ओपन होता है। इसी के जस्ट पास में हमें मिल जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। 12x11 के डायमेंशन में आपको ये थर्ड बेडरूम मिल जाता है। आप देखेंगे यहाँ भी साइड में आपको मिल जाती है वॉलपेपर ब्लू और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में और साइड में आपको यहाँ मिल जाती है बड़े साइज़ की विंडो वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए। और इसी के साथ इस रूम में आपको मिल जाती है एक बालकनी। वेंटिलेशन के लिए देखा जाए तो ये फ्लैट्स काफ़ी वेंटिलेटेड है फ्रेंड। यहाँ पे आपको दो रूम्स में बालकनी मिल रही है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस आपकी बालकनी है। फॉर सीलिंग आप देखेंगे यहाँ पे वुडन टेक्सचर का आपको पेंट मिल रहा है और साथ में कंसील लैंप भी, और यहाँ पे आपको एक टैब भी दिया हुआ है जिसे आप आराम से अपना वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं। तो ये था हमारा वेल सेमी फर्निश्ड फ्लैट्स फ्रेंड्स। आपने देखा कि 42 लाख इसकी आस्किंग प्राइस है और 1200 स्क्वायर फीट का इसका सुपर बिल्डअप एरिया है और बहुत ही अच्छे लोकेशन में ये फ्लैट्स अवेलेबल हैं। अगर इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो पार्थ रेजिडेंसी के नाम से प्रोजेक्ट है, जगतपुरा के प्राइम लोकेशन पे आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अगर आप भी जगतपुरा में अपने सपनों का घर चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं 3 BHK फ्लैट, तो यहाँ आप तो देख सकते हैं। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ थैंक यू सो मच।